गुड मॉर्निंग गाइस, मौसम बहुत अच्छा है। सुबह के 7:30 हो रहे हैं आई थिंक, और सब उठ गए हैं। आज रितिका का बर्थडे भी है, तो आज हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। मम्मी पापा भी उठ गए, मम्मी तो नहाने गए, पापा अपना फोन में लगे हुए हैं, प्लस टीवी चल रहा है। सुबह से न्यूज़ देख रहे थे। रितिका भी नहाने गई मौसम में। अब आपको दिखाता हूँ बाहर का कैसा हो रहा है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, धन्यवाद। गाइस, हम रेडी हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं घूमने। ये देखो सब रेडी हैं, वेट कर रहे हैं। चले भाई, तो चलो चलते हैं। चलिए खोलो, जाना कहाँ पहले तो वो भी पता करेंगे ना उनसे, नीचे से। और चाबी अभी ले ली। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है और हम जा रहे हैं अभी दलाई लामा टेम्पल। पीछे रितिका चल रही है। देखो स्टीप, मैं बता रहा था ना कि चढ़ाई बहुत खतरनाक है थोड़ी सी। सुबह का टेम्परेचर होगा यहाँ पे अराउंड 26-27। रात को बहुत ठंड है, मतलब अच्छा है, मज़ा आता है। और हमारे होटल के सामने एक मॉनेस्ट्री है जहाँ पे फीमेल मॉनेस्ट जो हैं प्रेयर करती हैं अपनी। और मैं आगे आपको दिखाता हूँ। कैंप भी यहीं से स्टार्ट होते हैं। लोगों के मजाल है ऊपर, इतनी गाड़ी चढ़ा चढ़ा के खड़ी कर रखी है ऊपर, अभी भी देख रहे हो इतना ऊंचा वो है। खड़ी चढ़ाई है एकदम, वैष्णो देवी से भी ऊपर ऊंची चढ़ाई है। हाँ, वैष्णो माता की चढ़ाई साइड हो। ये तो बात सही है, यहाँ पे खड़े होके चलने में भी प्रेशर लग रहा है, मतलब पूरा फील हो रहा है। थोड़ा सा ही चलोगे आप तो आपको थकान फील होनी चालू हो जाएगी। ऊपर मार्केट है पूरे, यहाँ के जो नेटिव ड्रेसेस हैं वो सब चीज़ें भी हैं। नॉर्मल मार्केट खाने पीने का एरिया भी है। यहाँ से ये शॉप से हमने सामान लिया था रात को। ये देखो ये थक गए। मुश्किल से हम 50 मीटर ही चढ़े होंगे और थकान फील हो गई। 50 मीटर भी नहीं चले और वैष्णो देवी की चढ़ाई वाली फील आ रही है। सिर्फ डबल है, सिर्फ ज़्यादा है। भैरव बाबा से भी ज़्यादा चढ़ाई है यहाँ पे। 50 मीटर भी नहीं हुए और थकान फील होनी चालू हो गई। माता रानी ने तो छुट्टी देते हैं, गंदे में रहो, मैं गंदे में हूँ तुम्हारे साथ, चलते जाओ। अब हम यहाँ पे रुके हैं, इंडियन फूड यहाँ पे रुके हम चाय पीने के लिए। सुबह से चाय नहीं पी थी तो अब चाय की तलब हो रही है। क्या हो रही है? उड़क हो रही है। चाय आ गई है सबकी, गरम गरम बढ़िया चाय, बढ़िया एकदम ग्रीन कप में। ग्रीन कप में चाय। हाँ मम्मी, चाय पिया? बस थोड़ी पी थी, अभी गर्म ज़्यादा गर्म है अभी भी।
मेरी भी आ रही है कॉफी, और ये मेरी कॉफी। क्या रिव्यूज हैं चाय के? ठीक है, ठीक है। एक तो यहाँ पे मैप्स का समझ नहीं आ रहा, हमें शायद इस तरह जाना है। क्या कह रहा था? हाँ, उस साइड हो जाओ तो कह रहा था। और हमें शायद इस साइड जाना है। ऊपर पहाड़, बर्फ भी है पहाड़ों पे, प्रॉपर बर्फ के पहाड़ है। मैप्स भी देखते रहना। हाँ सुनो, मैप्स देख लेना। बार तो गलती कर चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि रास्ते बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हैं और मैप्स भी प्रॉपर रास्ते नहीं बता पा रहा। तो एक बार पीछे चले गए थे, एक बार इस साइड चले गए। अब जो मेन रास्ता है वो इस साइड है नीचे, और मैं यहाँ का आपको दिखाता हूँ। कुछ कुछ ऊँची हैं, कुछ कुछ बहुत ज़्यादा डाउन है। दिखाता हूँ मैं आपको, डाउन जा रहा है रास्ता और यहाँ से ये अप जा रहा है। मम्मी पापा वहीं के अभी भी इंक्वायरी ले रहे हैं कि ऊपर जाना है नीचे जाना है। हमें जाना है दलाई लामा हिल। यहाँ से और ये डोरेमोन का हैप्पी बर्थडे आज, और फोन धड़ल्ले से आए जा रहे हैं। ये लो यार, एक और फोन आ गया। इतने सुंदर सुंदर ये चीज़ें हैं, ये पूरी मार्केट ही है। देखो सेल लगी हुई है, 200 के शॉल। शॉप है और यहाँ पे कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें मिल रही हैं। ये हमने बहुत सारी रील्स में देखा होगा, ये यहाँ पे यूज़ होता है। इसकी जो बोलते हैं कि आवाज़ होती है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है। जो स्टैंड है इसको इस पर टैप करते हैं और जो साउंड आती है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है। बहुत सारी चीज़ें बहुत यूनिक आपको देखने को मिल जाएंगी अगर आप यहाँ पर आते हैं तो। ये भी बाइक फॉर रेंट्स, अच्छा बाइक तो मिल ही जाती है। ये एक्चुअली में एक तिब्बतन रीजन नहीं है, बट यहाँ पर एक लार्ज अमाउंट में तिब्बत लोग रहते हैं और उनकी प्रॉपर मार्केट है जिसको आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हो। बहुत डिफरेंट है हमारे नॉर्मल लिविंग एरिया से, सो इट्स रियली ब्यूटीफुल। मेरे पापा आराम से सब कुछ देखते आ रहे हैं। वही तुमको मास्क मिल गई अपनी, ये देखो कितना सुंदर है। ये देखो मतलब बिल्कुल नीचे तक का पूरा क्लियर है, कहाँ से कहाँ तक का व्यू आ रहा है। कितने अच्छे अच्छे स्कल्पचर है। पार्किंग है ओपन में और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आएगा, तो मैं आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। ये ओपन पार्किंग होगी या पेड पार्किंग होगी, जो भी टूरिस्ट आते हैं
क्योंकि यहाँ पे बहुत कम जगह है जहाँ पे आप कार पार कर सकते हो। रोड उतने उतने चौड़े चौड़े नहीं हैं। और ये देखो मैं आपको एक चीज़ दिखा, ये ट्रॉली यहाँ से आती है और ये नीचे जा रही है, देखो वहाँ से गंडोला राइड याद आ गया मेरे को। हाँ गंडोला राइड हमने श्रीनगर में लिया था ये, और अभी मैं भूल गया मैं से ट्रॉली कह रहा था। तो ये गंडोला राइड यहाँ से सीधा नीचे जाती है धर्मशाला, धर्मशाला जाती है और धर्मशाला से आती है। मैंने इसका प्राइस पता किया तो 500 पर पर्सन इन्होंने बताया है। अरे देखो कितनी भी गहरा है, पूरा नीचे तक का पूरा व्यू दिख रहा है यहाँ से। और ऊपर भी मतलब है, अभी पहाड़ और ऊपर तक है। यहाँ से हमने पढ़ा था ना कोई माउंटेन रेंज भी दिखते हैं, क्या नाम था मैं भूल गया, मैं वो भी बताऊंगा आप लोगों को। और देखो वो देखो धूप से बचने के वो चक्कर में छांव में जाके खड़े हो गए जिससे काले ना हो जाए। हम भी चलते हैं towards Temperance Rest. शायद ही मैं दिखा पाऊँ आपको अंदर का। कितने सुंदर सुंदर ट्रीज हैं, सब पेड़ से बात कर रहा था मैं भी करता हूँ। अभी यहाँ से ना गोल सर्कल लगा, अच्छा इसमें
की चेष्टा ओम मणि पद्मे हूँ लाखों की संख्या में भरा हुआ है। इसे एक बार घुमाने से लाखों मंत्र जाप के पुण्य मिलता है। कृपया बाएं हाथ से की ओर घुमाएं भूवत सर्वमंगलम। बाएं हाथ की ओर घुमाएं मतलब ऑपोजिट बाएं हाथ का कर इसे एक बार घुमाने से लाखों कृपया बाएं हाथ की ओर घुमाएं। हम भैया की शॉप पे आए हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ कुछ चीज़ें ये, और बहुत ना रीजनेबल रेट है भैया के पास। मतलब ज़्यादा जैसे लोग बहुत ज़्यादा कोट करते हैं, भैया ज़्यादा कोट नहीं कर रहे। और जो हमने ये वाले ये जो हमने पहले भी मैंने आपको शॉप्स पे दिखाए थे, इनका एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत सुंदर है। मतलब ये जो स्टिक है इसको आप इस पर टैप करोगे तो बहुत अच्छी आवाज़ आएगी। मैं आपको दिखाता हूँ। और ट्यून्स हैं ये, मतलब वैसे ये जो कहते हैं प्योरीफाइंग ट्यून्स जो होती हैं, ये वो है शायद। देखो इसकी मैंने सुनाई, ये वाला मशीन मेड है एंड दिस वन वॉज हैंडमेड। तो मैं इसका भी आपको सुनाता हूँ, इसकी और अच्छी आवाज़ है। तो आप इसकी ट्यून देख सकते हैं। आपको एक ये वाला और दिखाता हूँ, ये भी मशीन मेड है। ये जो अलग अलग कटआउट्स बने हुए हैं, इन सबको उस तरीके से बनाया गया है कि आप किसी पे भी, मतलब जो भी ये सारे हैं, इन पे अलग अलग पे आप टैप करेंगे तो अलग अलग आपको आवाज़ सुनने को मिलेगी। तो ये मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी। और हमने दो तीन चीज़ों की शॉपिंग की है, जैसे कि आगे ये वाला, ये मैक्लोडगंज का हमने मैग्नेट लिया है और वैक्स मैग्नेट। वैक्स परफ्यूम कौन सा लिया है? ये वैक्स परफ्यूम है रोज का, ये देखा है। और ड्रीम कैचर भी इनको पसंद आया, तो वो भी देख रहे हैं। बाकी देखते हैं क्या क्या चीज़ें ये शॉप करेंगे।
हम आपको दिखाएंगे। कुछ और क्या देख रहे हो? ये चार चीज देख रहे हैं। चार चीज क्या? तीन ही तो है। अच्छा बड़े वाला ड्रीम कैचर भी है। ओके चलो मैं आपको और चीजें दिखाता हूँ थोड़ी देर में। बेबी का है बर्थडे बैश। इसने ये हट भी लग गए कैप लगा के भी दिया। हाँ यही डालना है, पानी डालना है या और भी मिक्स करके बना सकते हैं? मिक्स हो जाएगा, मिक्स 90 का होगा, सिंगल 70 का होगा। 70 का ही कर लो, देख लो अगर मिक्स करवाना है। पान वाली तो ढूंढ रहे थे यार, हमारे वहाँ पान वाला तो मिला ही नहीं। पापा को पान की आइसक्रीम बहुत पसंद है तो हम पापा के लिए बनवा रहे हैं पान वाली आइसक्रीम। ये कौन भैया ने खुद ही बनाए हैं? हम फ्लेवर ले रहे हैं कैरेमल सॉल्टेड एंड चॉकलेट। ये भैया ने बनाई थी ऑलमोस्ट, और यहाँ पे चॉकलेट पान वाला था ना, ये पान वाला फ्लेवर था। कैसा लगा ये? बहुत टेस्टी। और ये देखो इनके तो नियत अभी वहीं पे डोल दिए। कितनी सुंदर सुंदर फोटोज हैं आइसक्रीम की, ये देख के तो बंदे का मन वैसे ही ललचा दे। चलो भैया दे दिए थे, मेरे को दिए थे ना। रितिका का बर्थडे था तो उसका केक हमने छोटा सा भी कट करा, पापा ने वीडियो बनाई थी और हमने मतलब थोड़ी सी गर्मी हो रखी तो सोचा कि चलो कुछ ना कुछ ठंडा ले लेते हैं। तो एक माउंटेन ड्यू और एक पापा की फेवरेट थम्स अप वो मंगाई और वो पी रही। अब यहाँ पे थोड़ा सा चिल करके और फिर आगे निकलेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगा आगे का। गाइस ये एपिसोड हम यहीं एंड कर रहे हैं और अब नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे आगे की ट्रिप, जिसमें हम जाने वाले हैं भागसुनाग टेम्पल एंड भागसुनाग वाटरफॉल। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज डू कमेंट डाउन in the comment section. Till then, goodbye, take care, stay connected, keep watching.